आगे सीधा ऐड में, यानी उसका मतलब है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल इस्तेमाल करने लगे हैं और आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो वहाँ से भी डायरेक्टली गूगल ऐड में जा सकते हैं। अब आपने जैसा ऐड बनाना है यहाँ से आकर अपना उसी तरह का ऐड सेलेक्ट करेंगे। सो अब आज हम देखने लगे हैं डिस्प्ले ऐड क्या होता है। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का, ये सिर्फ टाइप चेंज है, प्लेटफॉर्म चेंज है। उसका प्लेटफॉर्म क्या था? गूगल था। डिस्प्ले ऐड का प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, कि वेबसाइट चल रही है उनके ऊपर जो इश्तहार नजर आते हैं, जैसे जियो टीवी पर इश्तहार नजर आते हैं, जैसे उर्दू पॉइंट पर इश्तहार नजर आते हैं, पोइट्री की वेबसाइट खोल रहे हैं उसके ऊपर एड्स नजर आ रहे होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर एड्स चल रहे होते हैं। सो ये वाले जो एड्स होते हैं ये डिस्प्ले एड्स होते हैं, और ऐसे एड्स जो हमें वीडियो की सूरत में नजर आ रहे होते हैं वो वीडियो एड्स होते हैं। अब एड बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, एड बनाने की जो लॉजिक है, बिल्कुल चेंज नहीं होनी है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ उसी तरह ही रहेगा। इसलिए हम इसको ना जरा जल्दी से गो थ्रू करेंगे, आप लोगों ने मुझे बताना है साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या करें जी? न्यू कैंपेन। सब ने बताना, ये नहीं है कि जिन एक दो को आता है सिर्फ वही बताएंगे मुझे। यहाँ से मैंने न्यू कैंपेन पर क्लिक करता हूँ। अब हम बनाने जा रहे हैं डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड में क्या है, जैसे मैं कह रहा था ना सर्च ऐड, तो हमसे पूछ रहा था कि भाई मैं इसको पार्टनर्स वेबसाइट पर लगाऊँ, तो उस वक्त मैंने कहा था ना लगाऊँ। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त उसने मुझसे कंसल्ट नहीं करना था कि कौन कौन सी पार्टनर वेबसाइट पर लगाऊँ, उसने तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना सब पर लगा देना था। किन वेबसाइट्स पे ऐड लगता है कौन बताएगा मुझे? शाबाश, किन वेबसाइट्स पे और यूट्यूब चैनल्स पे ऐड लगते हैं? जो मोनेटाइज वेबसाइट्स होती हैं और जो मोनेटाइज यूट्यूब चैनल्स होते हैं उन पे ऐड लगते हैं। अब क्या देखे ना, मोनेटाइजेशन तो बड़ी आसान है। फेसबुक पे कितने लोग बैठे होते हैं कि भाई अपनी चैनल मुझसे मोनेटाइज करवा लो, एक घंटे के अंदर इतने पैसे दो, मैं चैनल मोनेटाइज कर दूंगा, वेबसाइट मोनेटाइज कर दूंगा। तो ऐसी जगहों पर इश्तहार लगाने का मेरे को फायदा तो नहीं होगा, जो न्यूली मोनेटाइज हुए होंगे, जिनकी कोई ऑडियंस ही नहीं होगी, जिनके ऊपर कोई ट्रैफिक ही नहीं होगी। हमें तो ऐसी जगहों पर जाना है जिनकी ऑडियंस हो और जिनकी ट्रैफिक हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम खुद डिस्प्ले ऐड बनाएंगे और हम टारगेट करेंगे। मतलब मैं कहूँगा भाई ओएलएक्स पे मेरा ऐड दिखाओ, जियो टीवी पे मेरा ऐड दिखाओ, एआरवाई पे मेरा ऐड दिखाओ, उर्दू पॉइंट पे दिखाओ, किसी पोइट्री की साइट पे दिखाओ, यानी मैं खुद टारगेट करूंगा। लेकिन टारगेट किसे कर सकता हूँ? सिर्फ उस चैनल को टारगेट कर सकता हूँ जो मोनेटाइज्ड है। या ये भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर अलीबाबा एक वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे ओएलएक्स का मैंने भी नाम लिया, लेकिन अलीबाबा वाले अपनी वेबसाइट पर एड्स नहीं लगाते, यानी उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज, वेबसाइट मोनेटाइज नहीं कराई हुई, ठीक है। वो कहते हैं भाई किसी ने, वो बहुत एक्सपेंसिव चाइना की वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो तो लाखों का लाखों रुपये लेते हैं महीने के एडवर्टीजमेंट करने के, तो वो अगर मोनेटाइज करवा लेंगे तो लोग तो मुफ्त उधर भी ऐड लगा सकते हैं ना। So, वो उन्होंने नहीं कराया हुआ, तो हम सिर्फ उन वेबसाइट पर जाएंगे जो मोनेटाइज्ड हैं, ठीक है। चलो जब इधर आ गए हम, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन, इस पर क्लिक करें। ये कौन सी आ रही है वीडियो? ये तो नहीं है ना हमारी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ब्रांड अवेयरनेस। इसमें आ गया डिस्प्ले, मतलब ब्रांड अवेयरनेस में डिस्प्ले भी है और वीडियो भी है। तो अभी हम फिलहाल पहले मरले में डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। सो हमने यहाँ से डिस्प्ले लिया, उसके बाद उसने क्या पूछा? वेबसाइट का नाम, ठीक है। कहता भाई कौन सी वेबसाइट है जिसको आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो? फॉर एग्जांपल, फिलहाल मैं वेबसाइट नहीं है तो मैं इनकी वेब बिजनेस वाली वेबसाइट की कर लेता हूँ। हाँ ये है जी, इस पर क्लिक करें। बजाय मैं अंदर से नाम लूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट खुल के आ जाएगी सामने, उसी यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये यूआरएल है, इसे मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और फिर यहाँ आ जाते हैं, पेस्ट कर। आगे वेबसाइट कह रहा है ये मेरी, मैंने कहा जी ये मेरी वेबसाइट है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है? ब्रांड अवेयरनेस, नाम पूछ रहा है, किस चीज का नाम पूछ रहा है? आपकी कैंपेन का नाम पूछ रहा है, भाई आपने अपनी कैंपेन का क्या नाम रखना है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूं डिस्प्ले ऐड, ठीक है, कि मैं डिस्प्ले ऐड चलाने लगाऊं और इसको अपनी सहूलत के लिए, तो मुझे भी याद रहे मैंने कब आपको सिखाई थी, इसका नाम के साथ मैंने ये लगा दिया। अदरवाइज जब हम कैंपेनिंग कर रहे होंगे तो मैं जिस तरह की कैंपेन चला रहा हूँ मैं उसी तरह का उसका नाम रखूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी कैंपेन चला रहा हूँ, मुझे बाद में याद भी तो रखना है कि मैंने कौन सी कैंपेन किस मकसद के लिए चलाई थी, ठीक है। सो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलसिले में। कंटिन्यू, इसी तरह करके है ना, मेरा एक सोफा का क्लाइंट है, हो सकता है मैं उसमें कार्पेट वॉश कीवर्ड्स को लेकर चल रहा हूँ, क्लीनिंग के कीवर्ड्स को लेकर चल रहा हूँ, तो उसी तरह का नाम रख लेंगे जिससे हमें समझ में आए, ठीक है। फिर क्या करना है, जल्दी जल्दी बताएं, स्टार्ट।
सब कुछ वैसे ही है, जब नई चीज़ आएगी मैं खुद बताऊंगा, ठीक है? जब तक पुरानी चीज़ें आपने खुद बतानी है कि क्या करेंगे हम। क्या कहता है, नन ऑफ योर एड्स रनिंग, कहता है आपने खुद से ही एड्स अपनी बंद की हुई है जो चल रही थी, ठीक है? हमने बंद की हुई थी, अभी ऐड नहीं चला रहा था मैं। उसके बाद क्या पूछ रहे थे, लोकेशन, मेरा ख्याल है तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, ये मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। लैंग्वेजेस, ये भी हमने सीख लिया है बार बार, ये भी हम टारगेट कर सकते हैं, इसको भी अभी फिलहाल मैं टारगेट नहीं कर रहा। मोर सेटिंग्स में जाते हैं, सिर्फ हमने कंसर्न देखना है कि जो इस वक्त हम डिस्प्ले के रेफरेंस इधर आए हैं उसमें हमें क्या करना है एक्स्ट्रा। जी, एड्स कैजुअल भी हम देख चुके हुए हैं, और नीचे आइए, ठीक है? ये सारी चीजें पिछले में भी थी हमारे पास, इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बिडिंग आ गई आगे, कि बिड कितनी करनी है जी? मैं कह रहा हूं भाई मुझे बिड करनी है 20 रुपीज फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद आगे क्या पूछ रहा हूं आपसे, बिडिंग में व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कहते आप किस चीज पर फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है व्यूएबल इंप्रेशन। सबको पता है ना इंप्रेशन क्या होती है, कि भाई मैं कोई चीज देख रहा हूँ, वेबसाइट देख रहा हूँ, उसके ऊपर एक दफा मुझे स्टार नजर आ गया तो उसका मतलब है उसका एक इंप्रेशन है, मतलब जब आपको एड दिखता है इज कॉल्ड इंप्रेशन। आगे क्या है, कन्वर्जेंस, कि आपको कन्वर्जेंस पे फोकस करना है कि इंप्रेशन पे, हम कहते हैं भाई इंप्रेशन पे करना है। अब आगे क्या पूछा, कहता है एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। सीपीएम क्या मतलब है, कॉस्ट पर माइल। अच्छा, एम का मतलब है माइल, थाउजेंड नहीं इसने लिखा हुआ, ठीक है, माइल स्टैंड फॉर थाउजेंड, सबको पता है कि माइल थाउजेंड के इक्वल ही होता है, ठीक है? तो यहां पर उसने टर्म एम की इस्तेमाल की है, कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर थाउजेंड, कि 1000 के लिए क्या करोगे, ठीक है? क्या कहता है, कितना बजट रखना है आपने 1000 के लिए, ठीक है? सपोज मैं कह देता हूँ भाई रखना है मैंने 80। ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज VCPM। VCPM का क्या मतलब होता है, व्यूएबल कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, व्यूएबल कॉस्ट। ये कह रहा है कि ये आपने सेट कर दी है व्यूएबल कॉस्ट, कि भाई इतनी दफा ये दिख रही है। सीपीएम कॉस्ट पर इंप्रेशन थी, और वीसीपीएम का क्या मतलब है, व्यूएबल कॉस्ट पर इंप्रेशन, यानी पर थाउजेंड। चले आगे, ये नई चीज आ गई है हमारे सामने, ये क्या है, टारगेटिंग, कि भाई अब आपने अपनी एड को टारगेट किस तरीके से करना है, ठीक है? चले जी, एड टारगेटिंग पे, ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है, ऑडियंस तो वही चीज आ गई है। उसके बाद क्या आ रहा है, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, ये सब कुछ वैसे ही है, उसी तरह करेंगे जैसे सर्च एड में चला रहे थे सब कुछ। लेकिन यहां पर दो चीजें हमें नई नजर आ रही हैं, एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है टॉपिक्स, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है प्लेसमेंट। ये दो चीजें पहले नहीं थी, ये दो चीजें सर्च एड में हमारे पास नहीं थी, यानी उसके पास कोई प्लेसमेंट नहीं थी, वो कह रहा था कि मैं खुद ही प्लेस करूंगा अपनी मर्जी से। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि भाई आप खुद टारगेट करो, क्या किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट लगाओगे और किन टॉपिक्स के अगेंस्ट लगाओगे। क्या कहता है टॉपिक्स में, क्या कह रहा है, सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट सर्टेन टॉपिक्स। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई यहां अगर आप अपने टॉपिक्स बता दें कि इन टॉपिक्स की जब वीडियोस चल रही हो, या एप्लीकेशन हो कोई, या वेबसाइट हो कोई, तो उसके ऊपर हमारा इश्तेहार आना चाहिए। अब आपने ये देखना है कि आप किन टॉपिक्स वाले लोगों को अपना एड दिखाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर इधर आता हूँ मैं, आगे पेंसिल में बता रहे हैं आप इसको, इन टॉपिक की वीडियोस पे। अब ये हमने खुद से टारगेटिंग करनी है, और ये डिपेंड कर रही होगी हर दफा ऐड के ऊपर, ऐड की मुनासिबत से, कि भैया हम किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं उसी की मुनासिबत से ये सब कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं कह देता हूँ भाई इस पे चला दो, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट पे चला दो, कंप्यूटर्स पे चला दो, फूड एंड ड्रिंक की वीडियोज आ रही हो या चैनल्स आ रहे हैं तो उन पर चला दो, ठीक है? फिर चले जाए टारगेटिंग में, आगे क्या आ गया, प्लेसमेंट्स। इस पे प्लेसमेंट्स का क्या मतलब है, कि भाई आपका इश्तेहार, मैं चाहता हूं जियो के ऊपर है, कि भाई कोई भी बंदा जियो की वेबसाइट खोले तो उसके ऊपर ऐड चल रहा हो, इसका मतलब है जियो का चैनल मोनेटाइज होगा। अगर मैं कहता हूं कि उर्दू पॉइंट पर आए इश्तेहार हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट भी मोनेटाइज होगी। तो यहां पर अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रही है, देखें
ये वाली ऑप्शन आपके पास सर्च ऐड में नहीं है। सर्च ऐड में ये ऑप्शन जरूर है कि मैं पार्टनर्स की वेबसाइट पे लगाऊंगा, लेकिन वो आपसे पूछ के नहीं लगाएगा, बल्कि उसके बाद जितने भी चैनल आए होंगे ना मोनिटाइज्ड होकर, उन सब पे वो ऐड लगा देगा। उससे हमारी टारगेटिंग सही नहीं होगी, और अभी मेरे बोलते बोलते इतने सारे चैनल मोनिटाइज हो रहे होंगे, लेकिन उनकी वर्थ तो कुछ नहीं होगी, इसलिए कि उनके ऊपर ना तो कोई ट्रैफिक इतनी खास होगी, ना ऑडियंस इतनी खास होगी, ठीक है। इसलिए हमें खुद से कोशिश करनी है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भी OLX की जो प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता है ना OLX पर अब जो एड्स लगते हैं पेड लगते हैं, फ्री एड तो नहीं लगते हैं, लगते भी हैं तो वो बस महीने में एक ऐड लगा देता है, उसकी भी कोई वर्थ नहीं होती, इसलिए कि उसके ऊपर तो सारे पेड ऐड चल रहे होते हैं। पहले होता था कि OLX पर फ्री एड्स चलते थे, अब OLX पे पेड ऐड चल रहे हैं, और उनका पैकेज होता है वो लाखों में होता है OLX वालों का, अगर आपने बाय करना है लॉन्ग रन में, अगर आप उनके पास अपनी ऐड चलाना चाह रहे हो तो आपको उनका पैकेज बाय करना पड़ेगा। मैंने कई दफ़ा बाय किए हैं, 1 लाख कम से कम 1.25 लाख से बाय पैकेज मिलता है उनका, पूरा महीना आप जब ऐड चलाते हो उनके ऊपर, लेकिन उसमें एड्स की तादाद वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, अब जब साइंस समझ नहीं आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि OLX पे हमारा इश्तहार नहीं चल रहा, ठीक है। मतलब सोफा का ऐड बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, सोफा कारपेट वॉशिंग का, लेकिन सोफा कारपेट वॉशिंग वाला जो है ना वो OLX पे ऐड नहीं चला रहा, लेकिन इस कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं वो OLX पे ऐड चला रहे हैं, मतलब उन्होंने पैकेज बाय किया हुआ 1 लाख रुपए का। अब होगा क्या, कोई भी बंदा OLX पर जाएगा तो क्या होगा, उसका कंपटीटर का ऐड आएगा? लेकिन जिन वेबसाइट के ऊपर एड्स आते हैं, जिन वेबसाइट्स के ऊपर एड्स आते हैं, तो वो वाली वेबसाइट भी तो ऐड ही दे रही होती है ना। यानी मैं ये कह रहा हूं कि इनका एक कंपटीटर है, उसने ऐड दिया है, उसका ऐड आ गया OLX के ऊपर, इन्होंने ऐड नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि भाई इस तरह की चीज कीवर्ड्स हो तो उस पर आए। अब वो कीवर्ड लिखने से तो ऐड इसके कंपटीटर का नजर आ रहा है, हमने क्या किया, हमने ऐड बनाया कौन सा, गूगल ऐड, और गूगल ऐड को सेट कर दिया OLX के ऊपर। अब असल में OLX पर पेड ऐड किसका चल रहा है, कंपटीटर का, लेकिन जैसे ही वो ऐड नजर आया तो हमने गूगल से कहा कि भाई OLX पे भी ऐड लगा दो, आपका ऐड उसके ऐड पे लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके इश्तहार पे लग जाएगा, लेकिन हमने OLX से तो नहीं लिया है, हमने किससे ऐड लिया, गूगल से ऐड लिया। मेरी बात समझ में आई है, हमने ऐड चलाया हुआ है डेली 500 के बजट से, उसको जो बटन लगा हुआ है हो सकता है उसको पढ़ाओ 30,000 का डेली, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही उसका ऐड नजर आता है उसके ऊपर हमारा ऐड नजर आता है। साइंस समझ में आइए क्या बताइए मैंने। सो इस तरह करके भी हम ट्रैफिक किसी और की ट्रैफिक को भी ले सकते हैं, समझ में आया। यानी हमने नहीं लिया 1.5 लाख का पैकेज, हमने गूगल का ऐड लिया जो कि OLX के अलावा और भी कई लोगों पर नजर आ रहा है, और हमने साथ टारगेट कर दिया कि भाई इसके कंपटीटर का ऐड क्योंकि OLX पे चल रहा है तो हमने OLX को भी टारगेट कर दिया, और हमने कहा भाई OLX की वेबसाइट के ऊपर हमारा ऐड चला दो। अब OLX और कीवर्ड्स हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बंदा लिखेगा सोफा कारपेट वॉशिंग OLX का ऐड चलेगा जिस बंदे ने पे किया हुआ, जैसे ही उसका ऐड नजर आएगा तो हमने भी तो टारगेट किया हुआ सोफा कारपेट वॉशिंग को, हमारा ऐड एज ए गूगल ऐड उसके ऐड पर नजर आएगा। देखने वाले को तो कुछ पता नहीं है ना, देखने वाले को एडवर्टीजमेंट की साइंस का तो नहीं पता, उसको क्या होगा, उसको कंपटीटर के ऐड के ऊपर किसका ऐड नजर आएगा, हमारा ऐड नजर आएगा, ठीक है। मे बी वो कंपटीटर को कॉल करना चाहता हो, लेकिन क्योंकि ऐड हमारा नजर आ रहा है तो बटन तो हमारा दबेगा। आप जानते हैं ना गूगल ऐड जब वेबसाइट पर आता है तो आप प्रेस करते हैं तो वेबसाइट का कॉन्टेंट तो नहीं खुलता, ऐड खुलता, समझ आ गई बात। सो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को बीट करने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए। यानी बजाय इसके कि हम 1 लाख रुपया लेते हैं उसका, हमने 1 लाख रुपया नहीं लिया, हमने डेली का बजट लगाया हुआ इसके ऊपर, ठीक है। और गूगल ऐड से लगाया OLX के ऊपर, OLX पर उसका ऐड नजर आता है, उसके ऐड के ऊपर हमारा ऐड नजर आता है, जब भी कोई यूजर क्लिक करता है तो हमारे ऐड में क्लिक होता है, इसलिए हमने उस पर लिखा हुआ कॉल नाउ, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने बताई है इसको घर जाकर OLX पर स्टडी कीजिएगा, क्या ये क्या मॉडल मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट करने का। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट्स, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, तीसरे नंबर पर यूट्यूब वीडियोस, एप्स और ऐप कैटेगरीज। कहता है भाई सिलेक्ट कर लो, कहता है सिलेक्ट कर लो कौन सी प्लेसमेंट चाहिए आपको। अभी मैं ये कह रहा हूँ OLX पे ऐड लगाने हैं तो कौन सी प्लेसमेंट चाहिए, वेबसाइट चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि ARY के ड्रामा चैनल पर ऐड लगाना है तो फिर YouTube में जाकर उसको, अब मैंने यहाँ से जाकर एक एक करके वो प्लेटफॉर्म चूज करते जाने हैं,
जहां पर मैं ऐड लगाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा कि तो ओपन होगी ना, फिर हर वेबसाइट पे ऐड लगेगा, हर यूट्यूब चैनल पर ऐड लगना शुरू हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे कि हम ऐड को टारगेट करेंगे। ठीक है, इधर आने जा, यहां से आपको एक एक करके वेबसाइट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो जो वेबसाइट आपके पास आती जाएगी उसको आपने, चलो यहां पर कहता आके लिखो, मैं फिलहाल एक ऐड करता हूं ताकि टाइम हमारा सेव हो। दिखा दो यार, कोई एक चीज स्लो बहुत चल रहा है, नहीं समझ आई इसको, वो स्लो होने की वजह आएगा, थोड़ा आ जाएगा, आएगा थोड़ा टाइम लेके आएगा। तो कुछ एक आधी चीज तो देखनी चाहिए ना। वेबसाइट्स आ गई है नीचे, देखें वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई। अब आप किस वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हो भाई? ठीक है, उर्दू पॉइंट लिख दिया मैंने, लिखते हैं। अब आप कर लोगे इसको, यहाँ पर नेट स्लो होने की वजह से, लेकिन इसकी मैंने एग्जांपल देनी है जिसमें आपको बहुत सारी वेबसाइट टारगेट करनी है ताकि आप कॉन्फिडेंट हो। अकाउंट आपको मैंने दिया हुआ है ना अपना, कि उस पर एड्स बनाओ, जितने बनाने हैं बनाएं, पास कर दें, ऐड बनाएं, पास कर दें, फिर ऐड बनाएं, फिर पास कर दें। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, चलो आ गया अभी। यहां से ऐप्स में आ जाओ और ऐप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐड हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ भला, समझ आया आपको क्या मतलब है इसका? यानी अब मैंने टारगेट कर दिया कि मेरा ऐड चलेगा। अब मैं गूगल पे नहीं चला रहा है इस समय, ये वाला ऐड मैं सर्च इंजन पे नहीं चला रहा, मैं यूं भी कर सकता हूँ। ये कोई शर्त नहीं है कि जब यहाँ ऐड चलाएंगे तो वहां नहीं चलाएंगे। मतलब मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ ना, मैं वीडियो ऐड भी चला रहा हूँ, मैं डिस्प्ले ऐड भी चला रहा हूँ, मैं सर्च ऐड भी चला रहा हूँ, और मैं कॉल ऐड के साथ पैरेलल चला रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को मैं कैप्चर कर सकूँ। तो मैं ये वाला ऐड पैरेलल भी चला सकता हूँ, लेकिन ये ऐड कहाँ चलेगा? वेबसाइट के ऊपर। और ये ऐड कहाँ चलेगा? YouTube चैनल्स के ऊपर। यानी कोई भी बंदा कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसके ऊपर जो स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड आती है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम डिस्प्ले ऐड की बात कर रहे हैं। जब हम वीडियो ऐड बनाएंगे तो फिर हम स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड में भी चले जाएंगे। ठीक है, चलो जी, अब हम एक काम करते हैं कि चलो वो समझते हैं जी, बहुत हो गया और आगे चलते हैं। इसके आगे भी नहीं मैं जाऊंगा लेके, अब खुद नहीं जाना चाहिए ना मुझे लेके, क्यों, वजह क्या है? सब कुछ वैसे ही है। एक दिन मैंने पढ़ाया, मेरा ख्याल है एक दिन आपने पढ़ाया है ना, तो अब मेरा ख्याल है कि ये तो सब कुछ ठीक हो गया हुआ कि ऐड कैसे बनाना है। या किसी ऐड बन रहा है ना, ऐड की डिस्क्रिप्शन आ रही है, ऐड की प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है, ऐड की हेडलाइन आ रही है, और ये जो टेक्स्ट लिखते हैं ऐड के साथ, उसे मैंने क्या बताया हुआ, क्या कहते हैं, ऐड कॉपी। ये इमेजेस आ रही हैं, साथ इमेजेस लगानी है, क्योंकि देखें जब डिस्प्ले ऐड की बात कर रहे हैं तो है ही इमेजेस, डिस्प्ले ऐड तो इमेजेस ही है ना सिर्फ।
सर्च ऐड तो इमेजेस नहीं था, फिर भी वो कहता दे दो, लेकिन डिस्प्ले ऐड तो है ही इमेजेस। तो इसमें दो तरह के इमेजेस आपने उसको बतानी है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप और स्केयरशिप। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप देखते हैं ना, जब वेबसाइट खुलती है तो यूं एक लंबा सा ऊपर इश्तेहार आ जाता है, और कुछ ऐड जो होते हैं वो स्केयर शेप में बने हुए उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इन साइजेस में आपने एड्स दिखाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। यानी यहां से अब आप खुद कर लेंगे आगे, इसको मैं बंद करूं, और मैं चाह रहा हूं आज हम इस टॉपिक को खत्म करें, तो इनका यूट्यूब चैनल खोलते हैं जरा, ताकि साथ में वीडियो ऐड भी हो जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग एसईओ शुरू करेंगे, वेबसाइट्स की एसईओ, ठीक है। और आपने आके मुझे बताना है आपकी वेबसाइट कहाँ पहुंची है, इसीलिए मैंने रोका था ना उसको, कि आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा तैयार कर लें, ताकि जब मैं एसईओ पढ़ाऊं तो आपके पास कोई कंटेंट हो काम करने के लिए, इसलिए मैंने उसमें पॉज दिया था। अच्छा, अब हम क्या देखने लगे हैं? अब हम ये देखने लगे हैं कि वीडियो ऐड जो होती है ना यूट्यूब के ऊपर जो चल रही होती है, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड, अब हम उसकी बात करने लगे। सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो जो ऐड होती है बेसिकली वो यूट्यूब की वीडियो होती है, आपके चैनल पर लगी हुई एक यूट्यूब की वीडियो है जिसकी हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। कंटेंट में आ जाए, ऐड कैसे चलना है, यूं करते हैं किसी ऐसे पे चलते हैं जिस पे कॉपीराइट ना हो, इस ऐड को चला देते हैं। ये देखिए ये क्या है, मेन्यू है, मतलब ये एक, मैं आप समझे अपने यूट्यूब चैनल पर आ गया हूं और मैं गूगल ऐड चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहली दफा चलाना चाह रहा हूं तो मेरा गूगल ऐड नहीं बना होगा तो वो बना देगा, तो पहली दफा गूगल ऐड बनाते हुए उसने जो कुछ करना है, क्या कुछ करना है, उसने आपसे पेमेंट मेथड ही मांगेगा ना, अगर आप जेन्युइन खुद करना चाह रहे हो। अभी तो मैंने आपको अपना अकाउंट दिया हुआ है तो आप मेरे अकाउंट पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आपने घर बैठ के अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी तो आप अपनी पेमेंट मेथड ऐड करोगे ना उसके अंदर, ठीक है। आप पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो आपका गूगल ऐड चल पड़ेगा। लो जिस पे है, अब ऐड चलाने के लिए यहां पर कहीं क्रिएट ऐड नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, प्रमोट लिखा हुआ है। YouTube चैनल बना होता है, YouTube चैनल हमारा कोर्स में बिल्कुल टॉपिक है। इसके बाद SEO करेंगे, YouTube चैनल कर लें, वोटिंग SEO एक, YouTube दो, बोलो जोर यार, वोट तो जोर से ले लो, SEO दो, SEO तीसरा कौन है YouTube का, हाँ हैंड रेज करें जो SEO कहते हैं पहले करना चाहिए, एक दो, दो लोग कहते हैं जी SEO होनी चाहिए, और कितने लोग कहते हैं YouTube पहले होना चाहिए, सारी कहते हैं भाई, चलो अच्छी बात है YouTube पहले कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया मेरे पास अकाउंट, ये देखें अकाउंट तो पहचान लेते हैं ना, ये गूगल ऐड अकाउंट है, है? पहले एक दो हफ्ते में ना मैं आप लोगों को समझता हूँ कि आप मासूम लोग हैं, ठीक है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा मेरी तरह तेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस दो महीने गुजरे हैं फिर भी मासूम, ठीक है ना, इतनी मासूमियत नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको चीज़ों को पहचानना चाहिए, देखते ही पहचानना चाहिए फौरी तौर पर कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। मासूम का मतलब ये नहीं है, वो दूसरे मीनिंग में नहीं ले रहा, मैं टेक्निकल की मीनिंग में ले रहा हूँ, ठीक है। देखें जी आगे ऐड, सीधे हम देखें ऐड पे आ गए, मैंने जैसे ही वीडियो को सिलेक्ट किया उसने मुझे ऐड दिखा दिया, अब देखते हैं जरा क्या कहता है वो आपको, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। इससे पहले मैं फिर दोबारा बता दूं, अगला लेक्चर हम YouTube का शुरू करेंगे, आपका YouTube चैनल होना चाहिए, अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आपका YouTube चैनल भी है, ठीक है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, वहां जाकर आपने अपनी वीडियोज अपलोड करनी शुरू कर देनी है, अगले लेक्चर में हमने यही काम करना है, यहीं से हम सीखेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube से हम अपना काम, हमने जो अपनी वीडियो ऐड चलानी है वो कैसे चलानी है, YouTube से चलानी है, ठीक है।
मैं करती हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ, करती हूँ। बेटा लाइट चलाओ उधर। ठीक है, थैंक यू सर। आपके पास यहाँ कोई भी कॉल आए स्टूडेंट के लिए पूछिए कि कॉलेज ओपन है, तो आपने कहे कॉलेज ओपन है, अगर आप आना चाह रही तो वो आपकी मर्जी है। समझ लिया। आज 49 ठीक है, यही है, पढ़ा पढ़ा नीचे। टेनिस गुलाम मुर्तजा, हसीब अख्तर, सत्यन, नायाब, मुकद्दस, वो आप कहाँ आ गई हैं? उधर से बाहर आ गई हैं आप, हैं? याद है ना, आप इधर ही आई हैं, घर से इधर ही निकली थी। मरियम, हसीब, ये तो रेगुलर है इसकी, मुझे लगता है दूसरे हसीब के चक्कर में एब्सेंस लगी हुई है। अजीम, अजीम, अहमद, फारिस जी, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? ड्राइव वीडियो व्यूज एंड ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। इसका क्या मतलब है कि भाई हमें वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए, नंबर वन। नंबर टू पे क्या लिखा हुआ है? मतलब आपको वीडियो व्यूज चाहिए, व्यूज मिल गए, ऐड चला, व्यू तो आ गया आपके पास, उसके बाद अब आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेबसाइट की ट्रैफिक चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेज विद योर चैनल। नहीं भाई, मैं बैठा हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, जो आजकल सबको प्रॉब्लम है ना, आप लोगों ने कहना सर सब्सक्राइबर्स कैसे मिलेंगे, व्यूज कैसे मिलेंगे, ये आपको स्टोरी अगले लेक्चर में सुनाऊंगा मैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, हमें फोकस किस चीज पर करना चाहिए। तो एक बंदा कहता है नहीं भाई मुझे व्यूज चाहिए और ट्रैफिक भी मेरे चैनल पर ही आए, मुझे वेबसाइट पर नहीं लेकर जानी, मुझे अपने चैनल में एंगेजमेंट चाहिए, मुझे चैनल में सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे चैनल पर सब कुछ चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव है, फोकस क्या है उसका, दूसरे वाला, ठीक है। चलो जी, अगर आपने पहले वाला करना होगा तो इस तरह कर लेंगे, हम पहली ऑप्शन पर कर लेंगे, ठीक। दूसरे वाले पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? लैंडिंग पेज, कहते हैं आफ्टर व्यू क्लिक एट, डू यू वॉन्ट टू सेंड दैम, कहते हैं यहाँ पर आकर अपना लैंडिंग पेज लिख दो। लैंडिंग पेज का क्या मतलब है? लैंडिंग पेज को क्या कहते हैं और कौन बताएगा? शाबाश, लैंडिंग पेज का एक नाम और भी होता है, शाबाश। आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है ना, लोग उस पर आते हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, तो उसे और क्या कहते हैं? होम पेज, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, सपोज कर रहे हैं हम ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि ये वेबसाइट है तो ये उसका पेज है, तो यहां आकर मैं ये पेज लिख देता हूं। उसके बाद आगे क्या कहता है? ये यहां से हम बताई जा रही है सब चीजें, देखते हैं। यहां पर विजिट लिखा हुआ है ना, यहां भी विजिट लिखा हुआ है, तो कहता है भाई क्या चाहिए एक्शन, इसे क्रॉस करो, बटन आ रहे हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आपका जो एड चल रहा है उसके ऊपर ट्रैफिक लेनी है ना आपने, ट्रैफिक के लिए तो बटन चाहिए, ट्रैफिक कहाँ होगी, हमने वेबसाइट दे दी है, बटन को दबाएगा तो कहाँ जाएगा? साइट पर जाएगा, ठीक है जी। सो अब हम क्या कहते हैं, अब आपकी चॉइस है कि क्या है। जैसे ये सोफे वाला है, तो सोफे वाला का तो मेरा ख्याल है इसकी ऑप्शन होती है बुक नाउ। ये सोफे वाला है ना, इसका तो होता है ना काम के भी, लोगों की कॉल आए, बुकिंग करता है कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ, आपने क्लीनिंग करवानी है, मैं 10 बजे आपके पास आ जाऊँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको कॉल जाएगी तो इसने तो बुकिंग करनी है जी। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते कि पीक सॉल्यूशन का ऐड है, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए था, कौन बताएगा मुझे? नहीं, इन्हीं में से लेना है। ये क्या लिखा है जी? लर्न मोड भी हो सकता है,
बाय नाउ भी हो सकता है, साइन अप भी हो सकता है, ठीक है, अगर एडमिशन की बात होती, किसी ने दाखिला लेना होता, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं फिर, अभी हम जो कर रहे थे पहले, पहले कौन सा यूज किया था मैंने, बुक नाउ, प्ले नाउ भी आ रहा है, ऑर्डर नाउ भी आ रहा है। आगे क्या आ गया, हेडलाइन, कि आपकी हेडलाइन क्या होगी, ठीक है, हेडलाइन कहाँ आएगी जरा देखते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं एक्सपर्ट, 15 कैरेक्टर्स में लिखी जानी है सिर्फ, ठीक है, एक्सपर्ट सोफा क्लीनर, अभी भी नहीं इसको समझ आया ना, एक्सपर्ट की जगह अभी हम क्या लिख लेते हैं, सोफा क्लीनर। आगे बुक नाउ भी आ गया, वेबसाइट भी आ गई, ठीक है, और साथ में वीडियो के ऊपर व्यू भी आ गया। हाँ जी, डेस्कटॉप का मतलब है कि भाई देखना है वहां पे कैसे नजर आएगा, कहता है उधर कैसे नजर आएगा, दोनों प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं ना आपको, कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे देख लो और उस प्लेटफॉर्म पे देख लो। नेक्स्ट करें, लोकेशन पता है ना आपको, एज टारगेटिंग करनी है आपने, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स लिखने हैं आपने, आसान है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। जी ये क्या कहता है, बजट आ गया आपका डेली कितना होगा, 600, रन कंटिन्यूसली का मतलब क्या है भाई, चलाते रहो ऐड, मैं खुद ही रोक लूंगा जब मुझे रोकनी होगी, ठीक है, अदरवाइज सिलेक्ट एंड डेट, यहां आकर मैं बता दूंगा किस तरीके को मेरा ऐड रोक दो, ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसलिए मैं ऊपर ही कर देता हूं। कहता है जी ये ऐड है आपका, बस आई थिंक सो फिनिश करने लगा, चली गई भाई, पास कर दो इसको, ठीक है, पास हो गई ना, कंफर्म करने के लिए आपने क्या करना है, एड्स में वापस आ जाए इधर से, जरा कैंपेन्स में आए, क्योंकि आप जब भी एड चलाओगे ना उसे पास जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी देनी है जो अप्रूव नहीं होनी है, तो अगर अप्रूव नहीं होगी तो एड अकाउंट बंद हो जाएगा, यानी कि एड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, गलत मोबाइल नंबर हो, गलत वेबसाइट हो, ठीक है, और आपने कुछ कंपनीज के नेम कीवर्ड के तौर पर यूज किए हो, वो भी उसकी प्राइवेट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इस इन वजहों से वो ब्लॉक कर सकता है, इसलिए आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, सो प्रैक्टिस करने के बाद इधर आ जाए, देख लें भी हमने जो कौन सा बनाया था ऐड, कौन बताएगा मुझे, सारी बनने ऑलमोस्ट है ना, मैंने उसके आगे मार्क्स लिखा था ना, ये वाली है, वो हमने पास कर दिया था ऐड, लेकिन कैंपेन पास नहीं की, इसका नाम नहीं लिखा गया था सही शायद, इसको ही पास करते, पास ये कीप का मतलब है कि रखना चाहता हूं, पास का मतलब है यानी ट्वाइस आपसे उसने पास पूछना है, ठीक है, पहले पास के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहां से आपको आके दोबारा से पास करेंगे, यहाँ पर इतना कंफर्टेबली हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, मेरे पास जब मुझे लगता है ना कि मेरी एक्स्ट्रा कैंपेन्स हैं, तो मैं इधर की बजाय मोबाइल से खोल कर वहाँ से इजीली उनको रिमूव कर दूँ, अभी मैं मोबाइल खोलूंगा, देखें इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है ना रिमूव, क्रॉस बना हुआ आ रहा है ना, रिमूव्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, मगर गूगल एड में वो रिमूव फिर भी शो कर रहा है, लेकिन जब मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो उसमें रिमूव्ड एड शो नहीं करता, लेकिन गूगल एड में वो रिमूव्ड एड शो कर रहा होता है, तो उसमें सीन जरा कंफर्टेबल हो जाता है। नहीं जी, हमने आज गूगल ऐड को अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।